नमस्कार, मैं हूं आज क्लास सेवेंथ बी में और देखते हैं इसके डेकोरेशन को। ये देखिए, सबसे पहले बच्चों ने यहाँ पे क्लास टीचर के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम। और ये पुरानी कोई एक इन्होंने फ़ोटो चिपकाई हुई है अपने यहाँ पे। और हम चलते हैं अंदर की ओर। जैसे कि क्लास में कुछ रूल्स होते हैं, जैसे डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, साइलेंस, डिसिप्लिन मतलब अनुशासित शांत रहना, और क्लीनलीनेस मतलब अगर हम क्लीन नहीं रखेंगे क्लास को तो हमारा मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, इसलिए क्लीन रखना चाहिए। और साइलेंस मतलब हमको शांत रहना चाहिए। हम जैसे अगर हम शांत रहेंगे तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा मन पढ़ाई में लगेगा। थैंक यू। ये स्टूडेंट है सेवेंथ, कौन सा सेक्शन अपना सेवेंथ बी। इसने आंसर, उसको बुरा बहुत लगता है। वैष्णवी, गुजराती, बीना, और ये हमारे क्लास का कुणाल। अलवीरा, आनंदी, अश्वनी, साची, और ये क्या है कैप्टन, देखो पूरा अपना काम कर रही है। और फिर से आ गया कुणाल। सौर, पुष्कर, अभिमन्यु, निरुत्त, शांतनु, ओम, बहुत बदमाश है ये। इधर दिखाओ, नाम बताओ। भूषण, गुड। कार्स, अच्छे लग रहे हो भाई सब लोग। अरे इसका तो बर्थडे है ना आज, कैसा लग रहा है? देखो पढ़ाई कर रहा है, अंशुल पढ़ रहा है, देश बदल रहा है। आज हम देखने वाले मैप जिसमें इंडिया के स्टेट्स बताए गए हैं, उसके उसमें ग्रो होने वाले क्रॉप्स और फूड के बारे में बताया, जो फूड वहाँ पे बनाया जाता है। तो जैसे कि हम देखेंगे सब स्टार्टिंग में जम्मू कश्मीर, जहाँ पे गेहूँ उगाया जाता है, वहाँ का फूड है रगन जोश। फिर उसके नीचे जाते ही हिमाचल प्रदेश में मिलता है, जहाँ पे सोयाबीन उगाया जाता है। तमिलनाडु के ऊपर है आंध्र प्रदेश, जहाँ पे चिलीज ज़्यादा उगाई जाती है, और वहाँ का फूड है पोथेरे। फिर उसके ऊपर है तेलंगाना, जहाँ पे मैदा उगाया जाता है, और वहाँ पे फेमस फूड है बिरयानी। यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो हमको मिलेगा ओडिशा, जहाँ पे टर्मरिक हल्दी ज़्यादा पाई जाती है, और वहाँ पे का फेमस फूड है चेना पोरा। फिर उसको ऊपर आता है वेस्ट बंगाल भी कोस्टल साइड है, तो वहाँ पे राइस ज़्यादा हो जाता है, जलपान रहता है, तो वहाँ का फेमस फूड है कोशा मांसो। फिर यहाँ पे ऊपर आता है सिक्किम, जहाँ पे इलायची, और वहाँ का फेमस फूड है मोमो। फिर यहाँ पे आता है असम, जहाँ पे चाय पत्ती के बगीचे ज़्यादा रहते हैं, वहाँ का फेमस फूड है पपाया खाए। ऐसे ही बहुत सारे स्टेट्स हैं जिसमें अलग अलग टाइप के क्रॉप्स उगाए जाते हैं, और ये हमारी ज्योग्राफी का पार्ट है, इसी से हम रहते हैं। जय, तो यहाँ पे है उड़ीसा का स्पेशल फूड हैबिट है पापड़ा, राइस ज़्यादा रहते हैं। और फिर उसके छत्तीसगढ़ का देख लिया, उसके बाजू में आता है झारखंड का स्पेशल फूड हैबिट है पिट्ठा, वहाँ के ट्रेडिशनल स्पेशल फूड हैबिट वो, इसलिए ये नाम आपको नए लग रहे होंगे, पर उसके ट्रेडिशनल फूड हैबिट है इसलिए। और फिर झारखंड के जस्ट ऊपर आता है बिहार। ये सेवेंथ क्लास का क्या है, नोटिस बोर्ड। कितना सुंदर इन्होंने बनाया हुआ है,
और उन बच्चों का आइडिया बहुत अच्छा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव जाहिरात और आज़ादी का अमृत महोत्सव यहाँ पे लगाया हुआ है। मतलब कोई भी इंसान होता है उसके अंदर कोई ना कोई तो टैलेंट होता ही है, डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, कोई ना कोई तो उसके अंदर टैलेंट होता ही है। तो अब उस टैलेंट को सक्सेस में बदलने का काम उसके हाथ में होता है। तो अब उसको कैसे करना पड़ता है, उसके लिए उसको हार्ड वर्क करना पड़ता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब खुद के दम पर कुछ करना पड़ता है। नहीं तो जैसे कि कोई कोई लोग ऐसा सोचते हैं कि बड़े होने के बाद उनको कोई ऐसा काम मिले, मतलब जिसकी जो लेवल हो वो तो लो लेकिन उससे बहुत सारा पैसा मिले। तो जो मतलब वो बस पैसों के लिए करते हैं, मतलब उनको हार्डवर्क करने की कुछ इच्छा ही नहीं होती। मतलब कम लेवल में उनको बहुत सारा मिले ऐसा वो करने में जाए तो उसके लिए हार्डवर्क होता है जरूरी। अगर हम लोग हार्डवर्क ही नहीं करेंगे तो सक्सेस भी नहीं मिलेगी। तो वो इसीलिए बोला जाता है कि किसी भी इंसान के अंदर 1% टैलेंट और 99% हार्डवर्क होता है उसकी सक्सेस को बदलने के लिए। और अगर हमें हार्डवर्क करना तो उसमें एक्शन लेना पड़ता है, क्योंकि अगर हम लोग इतने सारे थॉट्स होने के बाद भी अगर कोई एक्शन नहीं लेंगे तो हमारा ये सब कुछ सुनना बेकार है। इसीलिए हमें मतलब अगर ये सब कुछ हम लोग सुनते हैं तो उसके लिए हमें एक्शन तो लेना पड़ता है। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम मेरित है, मैं क्लास 7 का स्टूडेंट हूँ। तो आज हम एक्टिविटी मतलब क्या होता है, क्लास में एक्टिविटी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्टिविटी नहीं रहेगी तो सिर्फ पढ़ाई करने में मन नहीं लगेगा, उससे अपन ज़्यादा कुछ पढ़ नहीं सकेंगे, इसलिए एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट एक्टिविटी है म्यूज़िक। म्यूज़िक मतलब जिसमें अपन सुर ताल वगैरह गा सकते हैं, अच्छा मतलब गा सकते हैं, उससे अपना माइंड फ्रेश होता है और अच्छे से अपन मतलब म्यूज़िक में हिस्सा वगैरह ले सकते हैं। सेकंड होता है आर्ट। आर्ट मतलब जो अपन की इसमें कला है, जैसे कि पेंटिंग हो गया, आर्ट हो गया, स्केच हो गया। जैसे कि ये जो पेंटिंग है ये आर्ट है, वो जो ड्राइंग है ये सब आर्ट है। तो आर्ट में भी बहुत जन को इंटरेस्ट रहता है। थर्ड है पीएचई। पीएचई मतलब फिजिकल एजुकेशन। अगर फिजिकल एजुकेशन है तो हम फिट रह सकते हैं। अगर फिजिकल एजुकेशन नहीं रहा तो हम आलसी हो जाएंगे और हर दिन हर क्लास में सोते रहेंगे, उससे पढ़ाई में वगैरह दिमाग नहीं लगेगा, इसलिए ब्रेन चलेगा नहीं। इसलिए फिजिकल एजुकेशन भी ये बहुत आवश्यक है। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम अभिमन्यु सिंह है, मैं 7th B का स्टूडेंट हूँ। तो ये जो हमारा अर्थ है ये ना एक लेयर का नहीं है, इसमें बहुत से लेयर है। सबसे पहला लेयर आता है हमारा क्रस्ट। तो क्रस्ट में जो सबसे ऊपर का लेयर है वो है लिटोस्फीयर, जिसमें मतलब रॉक, मिनरल्स, जितने भी प्लांट्स ये सब है, जो सॉइल है, फर्टाइल, वो सब लिटोस्फीयर में फाइंड की जाती है और क्रस्ट में आता है। और क्रस्ट जो है वो सबसे पतला लेयर है हमारी जितने भी लेयर है। उसके अगर हम अंदर जाए तो उसके बाद आता है मेंटल। ये जो मेंटल रहता है वो उसमें पूरा मतलब मैग्मा रहता है, जिसके ऊपर हमारी जो प्लेट्स है लिथोस्फेरिक प्लेट वो उसमें उसके ऊपर मूव कर रही है। और ये इसकी ये 2900 किलोमीटर वाइड है। इसके बाद हम जाए तो इसके अंदर ये कोर और मेंटल की बाउंड्री आती है और उसके बाद कोर आता है, इनर कोर आउटर कोर होता है। और जो कोर होता है वो बहुत उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर और टेम्परेचर रहता है और उसके कारण ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगी हुई है जिसके कारण हम यहाँ पे हैं। और ये सब के कारण ही यहाँ पे लाइफ सुटेबल है, क्योंकि अगर कोर नहीं होता तो ग्रेविटेशनल वो नहीं हो पाता। और इसकी ये मेंटल है, उसके ऊपर ही हमारी जो प्लेट्स है वो मूव कर रही है, जिसके कारण अलग अलग लैंडफॉर्म्स बने। थैंक यू।
मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शांतनु राव फ्रॉम क्लास 17। तो आज मैं आपको एक थॉट बताने जा रहा हूँ जो कि इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग यू विल फाइंड अ वे। मतलब इसका अर्थ ये है कि अगर आपके अंदर करने की इच्छा हो तो आपके मतलब अपने आप ही रास्ता मिल जाता है उसका। थैंक यू। माय नेम इज आई फ्रॉम क्लास 7B। आज मैं वाटरफॉल के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो ब्राउन की ये की थी उसे हार्ड रॉक कहते हैं, उसकी नीचे को जो है सॉफ्ट रॉक कहते हैं, जो वाटर के प्रेशर से टूट चुकी है। ऐसे ही छोटे मोटे वाटरफॉल्स दुनिया में पाए जाते हैं, खासकर जंगलों में। और सबसे बड़ा वाटरफॉल एंजल फॉल जो साउथ अमेरिका में है। और वहाँ पर जब मैग्मा फोर्स लगाता है तब वहाँ पर वाटरफॉल बनता है, फिर जब निकलता है और जब जहाँ पर वो जमा होता है उसे मैग्मा चैम्बर बोलते हैं। और जब वो वोल्केनो के अंदर होता है तब उसे मैग्मा बोलते हैं, अगर वो जब बाहर आ जाता है तो उसे लावा बोलते हैं। फिर से बोल। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सम्यक पाटिल है, मैं 7B से हूँ। आज मैं आपको समझाऊंगा वोल्केनो। तो वोल्केनो सबसे पहले जहाँ पर क्रस्ट की जो विड्थ होती है वो छोटी होती है, वहाँ से वो स्टार्ट होता है। जब लावा उस पर फोर्स लगाता है तब वो क्रस्ट थोड़ी सी साइड हो जाती है और उससे वोल्केनो निकल जाता है। तो वोल्केनो का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा स्लोपी होता है, नीचे से मैग्मा चैम्बर से मैग्मा आता रहता है, फिर वेंट से लावा निकल जाता है। और जो ऊपर सबसे ऊपर जो होल होता है उसको क्रेटर बोलते हैं। क्रेटर से लावा और गैस और ऐशेस निकलते हैं। गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ऐसे बहुत सारे गैसेस रहते हैं जो लावा के साथ निकल जाते हैं। और उसके साथ कुछ बड़े बड़े बोल्डर्स और वॉल्केनो बम्स वगैरह भी निकल जाते हैं।